किसी ने बहुत खूब कहा है, बियर्स हमें जीने नहीं देते और बुल्स हमें मरने नहीं देते। कुछ ऐसे ही देखा जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट 3 हफ्तों से। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवेश गोर। लास्ट 3 हफ्तों से इंडियन स्टॉक मार्केट एक रेंज बॉन्ड सेशन में काम कर रहे हैं, जहां 16,850 से 17,500 की एक ट्रेडिंग रेंज है। नेक्स्ट वीक की Q2 अर्निंग्स और ग्लोबल क्यूजी मार्केट की डायरेक्शन को तय करेंगे। डेटा की बात करें तो FIs कैश मार्केट में एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, जिन्होंने 9,900 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं DIs की बात करें तो DIs मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने 7,000 करोड़ की खरीदारी की है। डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो FIs का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 23% पर है, विच इज स्टिल इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। वहीं पुट कॉल रेशियो 0.9 पर है। इंडिया विक्स की बात करें तो वो 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो वुल्स को ताकत देने का काम करेगा। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो निफ्टी में 16,850 से 17,500 एक रेंज बाउंड सेशन है। यदि निफ्टी 16,850 के नीचे ट्रेड करता है तो हमें 16,700 तक के लेवल निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं 17,500 के ऊपर जाने पर निफ्टी में 17,800 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बॉन्ड सेशन देखा जा रहा है, जहां 38,500 से 39,500 एक ट्रेडिंग रेंज है। यदि निफ्टी 39,500 के ऊपर जाने में कामयाब रहा तो हमें 40,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 38,500 के नीचे जाने पर 37,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो फाइनेंशियल और सीमेंट सेक्टर के दिग्गज अपने Q2 अर्निंग घोषित करने वाले हैं। चाइना और यूएस के माइक्रो इकोनॉमिक नंबर पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। वहीं यूएस बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। नाउ कम टू द रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक बाय कल्याण ज्वेलर्स एट CMP 103 विद SL 96 फॉर द टारगेट 116। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।